हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 साइंस फ्रिक्शन मूवी बताने वाला हूँ, जिनको देखकर आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी और आप एक अलग ही दुनिया को महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है तो आप कमेंट करके वो भी जरूर बताना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है, जिस दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और आप सब लोग काफी समय से इन्हीं मूवीज की डिमांड कर रहे थे। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम साइंस फिक्शन मूवीज को कवर करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th मूवी अनदर अर्थ मूवी आई थी 2011 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई हमारी दुनिया की, यानी अर्थ की, जहां पे इंसान बड़े आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनको पता लगता है रात में कि एक और अर्थ अचानक से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अपेयर हो गई है, जहां पे हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, सेम टू सेम हमारे जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं। मीन्स ये जो नया प्लैनेट अपेयर हुआ है यहाँ पे, ये अर्थ की एक कॉपी है। पर ये कॉपी किसने बनाई, क्यों बनाई, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और क्या ये प्लैनेट अर्थ से टकरा जाएगा, वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये काफी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है पैसिफिक रिम। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जहाँ पे इंसान बड़े आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन की गहराइयों से, यानी प्रशांत महासागर की गहराइयों से, कुछ बहुत बड़े बड़े महाकाय राक्षस बाहर आ जाते हैं और वो इंसानों की बनाई गई सब चीजों को तबाह करना शुरू कर देते हैं, इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इंसान हर तरह के वेपन से उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो लोग नहीं रोक पाते, जिसके बाद इंसान अपने इस एनवायरनमेंट को, इस टफ एनवायरनमेंट को अडैप्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ह्यूमंगस रोबोट्स, जो इतने ह्यूमंगस होते हैं कि वो इन डायनासोर्स को मार सकते हैं। लेकिन इंसान अभी भी इनसे नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं। ऐसे में अब अंतिम युद्ध की नौबत आ गई। अब इंसानों को या तो उनको मारना होगा या तो वो इंसानों को मार डालेंगे। इंसान उनसे जीत पाते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और आखिर ये मॉन्स्टर्स कहां से आ रहे हैं, वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसके दो पार्ट्स आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मूवी आई थी 2001 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक कंपनी की, जो एक बहुत ही एडवांस रोबोटिक बॉय बनाती है, जिसके पास फीलिंग्स होती है, वो इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह वो प्यार कर सकता है नॉर्मल इंसानों को। और ये कंपनी इस रोबोट को टेस्ट करना चाहती है इंसानों के बीच में भेजने से पहले, इसलिए ये अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय को वो रोबोट देती है और बोलती है कि तुम इसे अपने घर ले जाओ, टेस्ट करो कि क्या इंसानों के लिए सेफ है या नहीं। वहां पे इसकी मुलाकात होती है उस आदमी की वाइफ से, जिसे अपनी माँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। ये उस औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको अपनी माँ की तरह ही मानता है और वो भी इसको बहुत प्यार करती है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी ये रोबोट बहुत ज्यादा प्यार करता है उस औरत से, जिससे मिलने के लिए सारी हदें पार कर देता है। ये काफी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है, और साथ ही साथ ये मूवी एक इमोशनल मूवी भी है। इस मूवी के एंड में जो इस रोबोट ने किया, उसको देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी मिडनाइट स्पेशल। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक पिता की, जो अपने बेटे को लेके भाग रहा है लोगों से बचते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट और कुछ कल्ट के लोग, उनको पता लग गया कि इसके बेटे के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिसकी मदद से वो लोग दुनिया पे राज कर सकते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को और उन लोगों को लगता है कि ये बच्चा एक एलियन है, जो दूसरी दुनिया से आया, और इसकी टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आएगी। पर इसका पिता बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बच्चा उन लोगों के हाथ लगे, इसीलिए ये अपने बच्चे को लेके इधर उधर भाग रहा है। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी एज ऑफ टुमारो। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई अर्थ की, जहां पे सडनली एलियंस अटैक कर देते हैं, वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, वो पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते हैं, जिनसे लड़ने के लिए सभी इंसानों को, सभी देशों को एक साथ आना पड़ता है, क्योंकि अकेले कोई भी उन एलियंस से नहीं लड़ सकता। और ये लोग लड़ने लगते हैं। हर दिन यहाँ पे बहुत भयानक युद्ध होते हैं, और उसी युद्ध में से एक युद्ध में जाता है हमारी मूवी का हीरो, जो युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसको फोर्सफुली भेज दिया जाता है युद्ध के मैदान में, जहां एक एलियन से लड़ते हुए उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, वो वापस उठता है उसी दिन जिस दिन वो पहली बार लाया गया था बैटलफील्ड पे, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। आखिर ये सब इसके साथ क्यों हो रहा है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और ये साइकिल कहां जाके एंड होगा, वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द मार्शियन। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई इंसानों की, जो अपने आप को मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही रिस्की, एक बहुत ही एक्सपेंसिव मिशन प्लान करते हैं, जिसमें वो इंसानों को भेजते हैं मार्स पे, और वो लोग सक्सेसफुली इंसानों को मार्स पे लैंड भी करा देते हैं। लेकिन मार्स पे एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ के वापस आना पड़ता है अपने स्पेस स्टेशन में। लेकिन वहां से वापस आते समय एक एस्ट्रोनॉट वहीं पे छूट जाता है, और इनको लगता है कि वो मर गया होगा, और ये लोग उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं अपने स्पेस स्टेशन में। कुछ दिनों बाद इन लोगों को पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, और नासा किसी भी तरह 1.5 साल से पहले उस
आदमी की मदद नहीं कर सकती। ऐसे में 1.5 साल तक वो क्या मार्स पे जिंदा रह भी पाता या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग 8.0 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ग्रेविटी, ये भी एक स्पेस मूवी है जो आई थी 2013 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई दो एस्ट्रोनॉट की, जो लोग अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल के एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच एक बहुत मैसिव स्पेस जंक आके उनसे टकराता है, यानी स्पेस का कचरा आके उनसे टकराता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने स्पेस क्राफ्ट से बहुत दूर स्पेस में चले जाते हैं और वो लोग बहुत तेजी से स्पेस में घूम रहे हैं, और अगर वो पृथ्वी से दूर जाने लगे तो कोई भी उनको नहीं बचा पाएगा। ऐसे में ये लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 7.7 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी चिल्ड्रन ऑफ मैन, ये मूवी आई थी 2006 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई 2027 की, जब पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से कोई भी औरत अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मतलब औरतों की जो फर्टिलिटी की क्षमता वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इंसान पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच गया है, क्योंकि पृथ्वी पे कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हो रहा और दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं वो एक एक करके मर रहे हैं। ऐसे में इंसान के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इंसानों ने हर तरीके अपना लिए लेकिन किसी भी तरीके से कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लेकिन इसी बीच हमारे मूवी के हीरो को एक काम दिया जाता है कि उसे एक औरत को एक जगह पर ले जाकर छोड़ना है। जब ये उस औरत को देखता है, इसको पता लगता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है, इट मींस वो पूरी पृथ्वी पे एकमात्र औरत है जो प्रेग्नेंट है, जिसके पास फर्टिलिटी की क्षमता अभी भी है और वो इंसानियत को बचा सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो औरत जिंदा रहे। ऐसे में ये आदमी किस तरह उसको बचाता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और आखिर क्या हुआ था अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से कोई भी औरत बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 7.9 out of 10 IMDb पर। 40,000 करोड़ रुपए लगते हैं। ये डायनासोर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिस डायनासोर को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आएगी इस पार्क में और ये लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों ने एक ऐसा डायनासोर बना दिया है जिसके पास सोचने की शक्ति है, और अपनी इसी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ये अपने पिंजरे को तोड़ के भाग जाती है। इस समय पार्क में लाखों लोग हैं और ये डायनासोर खुलेआम घूम रही है। ऐसे में आगे क्या होता है इस पार्क का, वो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसके 2 पार्ट्स आए, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 7.0 out of 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी है जीआई जोस द राइस ऑफ कोबरा। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक एलाइट मिलिट्री यूनिट की, जिनका काम होता है स्पेशल मिशंस करना। ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इनको इस बार एक नया मिशन मिला है। कुछ लोग हैं जो पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। उन लोगों ने एक ऐसा खतरनाक वेपन बना लिया है जो वेपन अगर किसी भी तरह किसी भी लोहे की चीज के ऊपर गिरा दिया जाए तो ये तुरंत उसको सड़ाना शुरू कर देती है, जब तक इसको फ्यूज ना किया जाए। और फ्यूज करने के लिए रिमोट कंट्रोल है, और अगर इन लोगों के हाथ में ये वेपन लग गया तो ये लोग इससे पूरी दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में हमारे हीरोज किस तरह इनको रोकते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसके 2 पार्ट्स आए, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। आपको इन सभी वीडियोस में से कौन सी वीडियो पसंद आई है जो आपने देखी हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या आपको इनमें से भी कोई पसंद आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको डाउनलोडिंग लिंक दे सकता हूं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और ऐसी ऐसी टॉप 10 वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।